वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स शफक्स डायरी। अच्छा, तो बस टाइम वेस्ट नहीं करते, मुद्दे पे आते हैं। और मुद्दा ये है कि आज मैं बना रही हूँ चिकन चिली, और मैं कोशिश करूँगी, आई होप कि मैं उस तरीके से बना चुकूँ। मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ को जोड़कर बनाया है। ये मैंने इसको बिल्कुल पतली पतली स्ट्रिप्स में इस तरीके से काट लिया है। सही है, ये स्ट्रिप्स बहुत अच्छी लगती हैं एज़ कम्पेयर टू बड़े बड़े से चंक्स आएँ। तो मैंने ब्रेस्ट पीस को लेकर इस तरीके से काट लिया है। अच्छा जी, मैंने क्या क्या डाला इसके अंदर। मैंने डाला सोया सॉस, मैंने डाला यहाँ हॉट सॉस, ठीक है। उसके बाद मैंने डाली ब्लैक पेपर, नमक। अब मैं इसके अंदर जो ऐड कर रही हूँ वो कॉर्नफ्लोर, ताकि थोड़े क्रिस्पी क्रिस्पी से बने। और कॉर्नफ्लोर के साथ मैं डालूँगी थोड़ा सा मैदा, क्योंकि मेरे व्लॉग्स जो हैं वो प्रॉपर कुकिंग पे नहीं होते, इसलिए मैं एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्क्राइबली नहीं बताती हूँ, ताकि आप लोग को जो मेरा डेली व्लॉगिंग और जो नॉर्मल व्लॉगिंग है उसका पता चले। मतलब मेरा कोई कुकिंग चैनल नहीं है और ना मैं कोई प्रोफेशनल हूँ इसमें ना। ये मैंने डाल दिया है, बस मैं शेयर करती हूँ। अब इसके अंदर मैं डालूंगी एक वन एग और साथ में मैदा, और फिर मैं इसकी पूरी मैरिनेशन के साथ मिलती हूँ। रिपीट ऑल द इन्ग्रीडियंट्स, आई मिक्स हॉट सॉस, सोया सॉस, अंडा, मैदा, कॉर्नफ्लोर, ब्लैक पेपर एंड नमक। इसके अलावा और भी इसकी जो है इसमें सामान जाएगा, वो अभी नहीं जाएगा, वो इसकी अलग से एक सॉस बनेगी तो वो उसमें चलेगा। जो चिकन चिली बना रही हूँ मैं आपको, मैं मेरे चैनल पे मंचूरियन की भी रेसिपी मिल जाएगी। और इसके साथ मैं सिंपल से जो है वो वाइट राइस बनाऊंगी, जिसमें मैं एग शामिल करूंगी या बस सिंपल से बनाऊंगी। इसको थोड़ी देर में मैरिनेट होने के लिए छोड़ती हूँ, और फिर हम आपको इसकी जो टॉपिंग होगी उसके हवाले से बताते हैं। सो गाइज, हियर इज़ द ड्रेसिंग। और इसको आप जो है वो लिक्विड भी बना सकते हैं, थोड़ा सा पतला भी रख सकते हैं और गाढ़ा भी रख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जो है वो लिक्विड ही बनाऊंगी, क्योंकि गाढ़ा गाढ़ा जो है ना फिर अच्छा नहीं लगता। तो बस वही, इसके अंदर हॉट सॉस गया है, सोया सॉस गया है, इसके अंदर जाएगा केचप, ठीक है। इसकी पेस्ट बना के डालनी है। और ये जो मैं फॉलो कर रही हूँ ना, वो फूड फ्यूजन को फॉलो कर रही हूँ, और दो चार हैं रेसिपीज और ज़्यादा, उनको मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये मैं लेकर आई थी एक न्यू चीज़, आइलैंड ड्रेसिंग। अच्छा, ये मैं लेकर आई थी 1000 आइलैंड ड्रेसिंग। ये ड्रेसिंग भी है और सॉस भी है, तो मैं थोड़ी सी अमेंडमेंट इसमें करूँगी, ये डालूँगी थोड़ी सी मैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च, ठीक है। हसबे जायका नमक, नमक कम, क्योंकि ऑलरेडी और चीज़ों में भी नमक है, तो बाद में उसको आप देख कर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैं डाल रही हूँ काली मिर्च, ठीक है। अब इसमें डालूँगी मैं पानी, इसमें मैं डालूँगी पानी। ये मुझे ज़रा अच्छा सा यूनिक सा लगा था, इसको मैं मिक्स करूँगी। फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ मैं भी, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर मिलाऊंगी कॉर्नफ्लोर, पानी में और मिला रही हूँ। जहाँ से मैं फॉलो अप कर रही हूँ उन्होंने भी इसी तरीके से किया था। ये सॉस जो है ना आपकी, ये चली जाएगी इसमें, ये जो मैंने बनाए थे इस तरीके से अंडे का और सब, तो ये मैं यहाँ इसको इस तरीके से फ्राई कर रही हूँ, और जब ये अच्छी तरीके से हो जाएगी कोटिंग इसकी, तो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, ठीक है। तो अब मैं इसमें मिला रही हूँ कॉर्नफ्लोर। सो हेयर्स माय डियरीज, माय ब्यूटीफुल प्यूपल्स, मैं इसमें मिला रही हूँ कॉर्नफ्लोर। उन्होंने भी डायरेक्ट ही मिला दिया था, ये मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और देखें, थोड़ा थोड़ा थिक हो गया सॉस, तो ये इसमें एक मुझे अच्छी आसानी इसमें ये लगी कि आप मिक्सचर बना के डालो तो सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं। ये अब मैं इसका टेस्ट करूँगी, मैं देखती हूँ कैसा लगता है। हमारी चिकन भी इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अच्छा डियरीज, मेरा जो ये चिकन है वो ऑलमोस्ट रेडी है, और मैं इसमें अपना जो मेरा मैंने आपके सामने बैटर बनाया था उसको मैं ऐड करने वाली हूँ। मैं आपके साथ ही साथ मैं इसको ऐड करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारे सॉस मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, और साथ साथ में मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च, मैंने ऐसी ही जिस तरीके से चिकन काटी थी पतली
उसी तरीके से मैंने ये इसमें काटी है, और ऑलरेडी कॉर्नफ्लोर इसमें मिक्स था तो ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। और जो मैंने प्याज है वो प्याज मैंने स्क्वायर बॉक्सेस वाली काटी है, क्योंकि जो है ना प्याज लंबी लंबी अच्छी नहीं लगती, और प्याज मैं कम डाल रही हूँ क्योंकि समीर बिल्कुल नहीं खाते हैं, उनको एलर्जी है प्याज से, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो दिस इज़ माई चिकन चिली जो बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है आई एम श्योर। और अभी से जो है इसका बैटर है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है, और इसमें जो अंडे की कोटिंग अलग और इस चीज़ की जो अलग है, तो ऐसी चीज़ें ज़रूर बनाया करो स्पेशली रमज़ान में, क्योंकि चाइनीज़ फूड हमेशा जो है वो लाइट लाइट सा रहता है, उससे पेट भारी नहीं होता। तो ये मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी और साथ में मैं राइस ऐड जो है वो इसकी तैयारी करती हूँ, और राइस मैं बनाऊँगी कॉर्न राइस। अच्छा जी मेरे हाज़रीन और नाज़रीन, ये आपके सामने मेरा चिकन चिली रेडी है, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेग्रेंस के लिए दो हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बड़े साइज़ की, ताकि जो हल्का फुल्का सा जो चिली का अरोमा है ना वो इसके अंदर आ जाए। और देखें कि मैंने ग्रेवी कितनी इसमें खुश्क रखी है, क्योंकि चिकन चिली जो है वो ज़्यादातर खुश्की बनती है, मंचूरियन होता है उसमें ग्रेवी होती है, तो इट्स अप टू यू कि आप इसमें ग्रेवी रखें या नहीं रखें। अभी मैं हल्का सा 5 मिनट इसको और दूंगी ताकि ये जो ग्रीन चिलीज़ हैं इसका जो अरोमा है वो इसमें आ जाए। तो माशाल्लाह से मेरा ये आप क्लोज़अप चेक करें कि कितना मज़ेदार चिकन चिली बना है, और अभी मैं साथ में इसके साथ राइस बनाऊँगी, और फिर सेफ़ान और मैं खाएँगे मज़े से, और समीर अभी सो रहे हैं वो उठ के खाएँगे। तो स्टे ट्यून्ड। अच्छा माय ब्यूटीफुल पीपल्स, ये मैं यहाँ राइस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और चिकन चिली जो है वो रेडी हो गया। मैंने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर मैंने सोया सॉस डाला और गार्लिक डाला, गार्लिक को मैंने चॉप करके डाला, या ये जो आपको दिख रहा है गार्लिक इसको मैंने चॉप करके डाला। जब उसकी फ्रेग्रेंस आने लगी अच्छी सी पकने की, तो मैंने इसमें कॉर्न डाल दिए और जो है वो मटर पीस डाल दिए, ठीक है, और इसमें काली मिर्च डाली है मैंने, और साथ में हॉट सॉस डाला, हॉट सॉस, काली मिर्च। सबसे पहले आप जो है इसको गार्लिक को सौते करने के बाद इसमें जो है सोया सॉस डालें, नमक डालें, काली मिर्च डालें, उसके बाद कॉर्न, और आपको जो भी सब्ज़ी ऐड करनी है वो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, और इसमें आप अंडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अंडा मैं कर चुकी हूँ उसमें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बस मैं इसको हल्का सा सौते करूँगी क्योंकि ये दम में हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़े से कुक होते हैं, और ये जो होते हैं ये रेडीमेड होते हैं, फ्रोज़न होते हैं ये कॉर्न, स्वीट कॉर्न, तो बहुत मज़े का जायका देते हैं। बस इसके बाद मैंने चावल बॉईल कर लिए, चावल मैं इसमें ऐड कर दूंगी और मेरा खाना डन हो जाएगा। सो माय ब्यूटीफुल गाइस, हियर इज माय फूड, और माशाल्लाह से आप डेकोरेशन चेक करें, सिर्फ दिस इज माय चिकन चिली विथ ब्लैक पेपर चिप्स एंड कॉर्न राइस, ऑरेंज जूस के साथ। तो बस अब हम इसको खाएंगे, मैं क्लोज़अप हूँ। सब्ज़ी और गोश्त लेने के लिए, और यहीं जो है वो पाकिस्तानी माहौल आपको दिखेगा, बिल्कुल वही पाकिस्तानी वाली जो दुकानें जो है खंडर खंडर से हुई भी दुकानें दिखेंगी आपको। तो हमारा जो एक बेसिकली जगह थी वो डेमोलिश जो हो रहा है जद्दा, उसमें टूट चुका है, तो फिर यहाँ समीर जो है वो खड़े हुए गोश्त ले रहे हैं, यहाँ पराठे, अंडे और चपाती और मज़े मज़े की रोटियाँ जो है वो रश देख के आपको पता चल रहा है ये बन रहा है। अब गोश्त हमने ले लिया है, अब माशाल्लाह से हम जो है वो सब्ज़ी फ्रूट वगैरह यहाँ से लेंगे। ऐसी शॉप्स जो होती हैं इसमें अच्छा रिजनेबल मिल जाता है, अगर हम पांडा या जो बाकायदा मॉल्स में जो होते हैं जो शॉप्स होती हैं मॉल में जो होता है सारा सामान वहाँ से ले रहे हैं तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो ये है कि यहाँ जैसे हमें 100 रियाल की सब्ज़ी और फ्रूट वगैरह सब मिल रहा है तो वहाँ 150 पड़ जाता है, तो 50 रियाल का फ़ायदा हो जाता है, तो ऐसे हम बचत भी करते हैं। सिफान,
वैसे हम बचत भी करते हैं, और ये कि यहाँ सब पाकिस्तानी टाइप की जो वेजिटेबल्स हैं वो भी मिल जाती हैं, यहाँ तो सब कुछ फ्रोज़न होता है, तो इसलिए हमें पाकिस्तानी सब्ज़ी जो होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो हम यहाँ जैसे टिंडे हो गए और करेले हो गए और इस टाइप की चीज़ें हम लोग लेना पसंद करते हैं। तो ये है आज की रूटीन जो मैंने शेयर की।